बच्चों, मैं एससी गुप्ता मैथ सफारी से आज आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन CBSE क्लास 10th के लिए और कंपटीशंस के लिए भी है करा रहा हूँ। केवल एक क्वेश्चन। क्या क्वेश्चंस है? क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि CBSE के हो सकता है इस एग्ज़ाम में छप गया हो पेपर में। अगर छपना है तो छप जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसा है, ये क्वेश्चन है, एक पीकॉक का, पीकॉक मोर और एक स्नेक, स्नेक कहते हैं सांप, इस प्रकार वो उस पर झपट्टा मारता है पीकॉक, उधर सांप स्नेक अपने बिल की तरफ बढ़ रहा है, वो उस किस स्पीड से आ रहा है और किस स्पीड से सांप जा रहा है वो है। अब आप देखिएगा, मैं आपको सवाल पढ़कर सुनाता हूँ पहले, फिर सवाल देखिएगा क्या है। ए पीकॉक इज सिटिंग, सवाल यहाँ पूरा लिखा हुआ आएगा, मैं फिर भी पढ़ रहा हूँ। ए पीकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द पिलर विच इज 9 meter हाई, जमीन से हाई 9 meter हाई है, फ्रॉम द पॉइंट 27 meter अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर ए स्नेक इज कमिंग, स्नेक इज कमिंग टू इट्स होल, होल उसका कहाँ पर है? पिलर के नीचे होल, एट द बेस ऑफ द पिलर। सीइंग द स्नेक द पीकॉक पाउंसेस, पाउंस माने झपट्टा मारना, पाउंसेस ऑन इट, स्नेक पर झपट्टा मारा उन्होंने। इफ देयर स्पीड्स आर इक्वल, अच्छा उसी स्पीड से स्नेक चल रहा, उसी स्पीड से उन्होंने पकड़ा, तो वो कह रहा है व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द होल इज द स्नेक कॉट, स्नेक का जो बिल है उसे कितनी दूरी पर ये इसको पकड़ लेगा। अब मैं आपको इस सवाल को ज्योमेट्रिकल फिगर की रूप में आपको समझाता हूँ। ये ए भी एक पिलर है और सांप का बिल यहाँ पर है और ये 27 का सी पॉइंट है, ये 27 meter है और ये 9 meter है, सांप को इधर से आ रहा है और स्पीड कैसी है? सेम स्पीड, सेम है स्पीड ऑफ स्नेक एंड स्पीड ऑफ पीकॉक इज सेम, इट मींस सपोज करे उसने इस पॉइंट पर पकड़ा, इस पॉइंट पर पकड़ा, तो ये जो डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस है ये सेम है डिस्टेंस, स्पीड अगर सेम होती है तो डिस्टेंस भी सेम होता है। टाइम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से आप निकालेंगे तो वो आएगा। अब मैं मानता हूँ ये 27 है, बहुत आसान टेक्निक्स बता रहा हूँ, मैंने इसे एक्स माना, मुझसे यही पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसका बिल कितनी दूरी रह गया था, ठीक है। चलिए साहब, तो ये x है तो ये कितना हो गया, ये हो गया 27 माइनस एक्स ये वाला दूरी। अब चूंकि डिस्टेंस बराबर है, जितनी दूरी सांप यहाँ से यहाँ चलेगा इतनी दूरी ये चलेगा, सपोज करो c पॉइंट और आगे ले लीजिए, बराबर बना लीजिए, ये c पॉइंट है, ये c पॉइंट कर लीजिए इसको, ये सी पॉइंट हो गया। अब देखिए डिस्टेंस बराबर हो गया तो ये भी तो 27 माइनस एक्स होगा, स्पीड दोनों की सेम थी। मैं अभी लिख दूंगा, आपको समझा दूं पहले, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, सवाल समझ में आ गया? चलिए, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पहले तो ये कहेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी फॉर्म ए राइट ट्राइंगल, राइट एंगल, ठीक है। दूसरी बात देखिए, स्पीड ऑफ स्नेक उन्हें दिया हुआ है, स्पीड ऑफ स्नेक इज इक्वल टू स्पीड ऑफ पीकॉक, स्पीड इज पीकॉक के इक्वल है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय पीकॉक इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय स्नेक, बिल्कुल ठीक है। तो चलिए साहब करते हैं इसे, ठीक है। इट क्या मतलब है इसका, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इट मींस दे कवर्ड
इक्वल डिस्टेंस इन सेम टाइम लिमिट। सेम टाइम लिमिट में उन्होंने कर लिया, ये बात समझा दी आपको। जब ही तो हमारा ये डिस्टेंस के बराबर आया, बच्चे समझ गए। आप सॉल्व कर लीजिए, राइट एंगल बताया तो पाइथागोरस हो, ये कितना दिया था 9, पाइथागोरस। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी अप्लाई पाइथा, कर दीजिए साहब, अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। चलिए साहब, बेस का स्क्वायर ठीक है, एक्स स्क्वायर वेरी गुड, प्लस 9 का स्क्वायर वेरी गुड, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स का स्क्वायर सॉल्व कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 81 इज इक्वल टू 27 का स्क्वायर 729, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 54 एक्स सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये कट गया, कट गया, बिल्कुल कट गया सर। एक्स स्क्वायर प्लस ये 729 प्लस एक्स, ठीक है। अब आपको 54 को इधर ले आइए, चुपचाप माइनस का इधर ले आइए, तो 54 एक्स बराबर 729 में से 81 घटा दीजिए, इधर लेकर यहाँ लिख दीजिए, तो घटाइए 8, ठीक है भाई, 1 8 9 8 4 12 अच्छे 54 को डिवाइड कर दीजिए, इधर कर दीजिए। तो चलिए, तो x बराबर क्या आया, 648 बटे 54, काटा फाटी कर दीजिए, जो भी करना हो कर दीजिए। 4 से, चलिए 4 से कट रहा है, हाँ बिल्कुल 4 से कहाँ कट रहा है, ये तो आपस में कट जाएंगे पूरे पूरे, भाग दे के देखिए आप, 54 2 108, देखिए 54 बन जा 54, 10 बचा 8, 108 54 2 जा, तो x बराबर आया 12 मीटर, 12 मीटर आंसर आया इसका। यानी जो बिल है, सांप बेचारा यहाँ पकड़ा गया, यहाँ से यहाँ आने में उसे टाइम नहीं, कितनी दूरी थी, 12 मीटर की दूरी रह गई। अगर यहाँ इस नहीं होता तो क्या, तो सवाल समझ में आया आपका, कुछ सवाल नहीं था, सवाल यही था, इसमें यह दिया था कि स्पीड ऑफ स्नेक इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ पीकॉक, इट मींस कि दे कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन द सेम टाइम लिमिट। जितनी दूर टाइम पे ये यहाँ आएगा, इतना टाइम इसे इधर लगेगा, तो डिस्टेंस इज कवर्ड। भाई आपके पापा आपसे कहें 60 किलोमीटर की स्पीड से आप इधर जाओ, आप इधर जाओ, तो 60 किलोमीटर की स्पीड से आप जा रहे हैं, तो एक घंटे में 60 किलोमीटर चलोगे, ये भी तो एक घंटे में 60 किलोमीटर चलेगा। टाइम लिमिट सेम है, तो डिस्टेंस तो हमेशा सेम ही होता है। धन्यवाद, चलिए धन्यवाद।